हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का जो दूसरा टॉपिक है वो है डाइस। पहला टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो डायरेक्शन था, ठीक है, और ये डाइस की सेकंड क्लास है। और जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक देखा था। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, तब जाके आपके ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल बेसिक देख लिया था, तो अब उसके आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो दिए गए घनों में, यानी कि ये घन हमको दिए हुए हैं, में पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि बस वो क्वेश्चन पूछता है, वो यही क्वेश्चन पूछता है कि इस अंक के विपरीत बताओ, या इस दूसरे अंक कोई भी पूछेगा उसके विपरीत बताओ। ऐसे डाइस में या पासे में जो क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ इसी तरह का पूछेगा कि विपरीत बताओ बस, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, दिए गए घनों में पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो पांच अंक हमको दिख रहा है ये रहा, ठीक है। तो हमने देखा था कि दो तरह, मतलब दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड होता है और एक कॉमन होता है। तो स्टैंडर्ड तो क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, अगर स्टैंडर्ड पूछेगा तो सिर्फ एक ही राइस देगा, यहाँ हमको दो दे रखे हैं, तो ये कौन सा है, कॉमन वाला है। और कॉमन में भी दो तरह के देखे थे हमने, जिसमें वो या तो एक अंक कॉमन होगा या फिर दो अंक कॉमन होंगे, कोई सा भी दे दे, हमको करना वो बहुत इजी से आता है। चलिए अब हम देखते हैं भाई कौन सा अंक कॉमन है। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, कौन सा अंक कॉमन है। क्या दो दिख रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है, चलो। क्या चार दिख रहा है, हाँ चार भी है। तो क्या पांच, इसमें बस दो अंक हमको मिल गए, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वैसे भी इसमें ये देखिए दो और चार कॉमन है, और दो और चार कॉमन है, ठीक है। तो अब जो बचा वो उसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। यही था दो का, तो अगर दो कॉमन है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें तो हमको कुछ लिखना ही नहीं है। फिर बात क्या पूछ रहा है, पांच के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है ना, पांच के विपरीत। अब दो अंक कॉमन आ गए तो बस पांच के विपरीत कौन सा होगा, छह, ये हो गया आंसर। आंसर में वो ऑप्शन में दे देगा भाई, बताओ क्या दो है, बी में दे देगा क्या तीन है, ठीक है, सी में दे देगा आपको चार है, ठीक है, या फिर डी में आपको दे देगा, डी में आपको दे देगा वो के छे। बस सिंपल है, दो कॉमन हो ही गए तो आंसर पांच के ऊपर छे, कोई इसमें देखने की कोई रॉकेट साइंस ही नहीं, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए घनों में तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या पूछ रहा है, किसके विपरीत, तीन के अंक, अंक तीन के विपरीत पूछ रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले भाई दो अंक कॉमन है कि एक अंक कॉमन है, पहले देख लेते हैं। क्या दो दिख रहा है, हाँ है, दो कॉमन, एक अंक तो कॉमन मिल गया। क्या तीन है, तीन तो नहीं है। छह देख लेते हैं, छह भी नहीं है, यानी कि इसमें हमको कितने कॉमन मिले, सिर्फ एक ही अंक कॉमन मिला। तो चलो लिख लेते हैं, हमको पता है भाई अगर एक अंक कॉमन है तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। चलिए क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। चलिए ये घड़ी की दिशा में हम घूम लेते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अंक कौन सा लिखते हैं, जो कॉमन होता है। सबसे पहले अंक कौन सा लिखते हैं, जो कॉमन होता है। तो जो कॉमन होता है उसको पकड़ लिया भाई, ये पकड़ लिया मैंने, और यहाँ पर भी पकड़ लिया। तो पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये दो है, उसके बाद कौन सा अंक आएगा, ये तीन आ गया, उसके बाद साइड में, क्योंकि यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो कौन सा अंक कॉमन है, दो है, तो ये दो लिख लिया पहले, उसके बाद कौन सा है, तीन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने के बाद। और अगर तीन के बाद कौन सा है, ये छह है, ठीक है, चलेगा, हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, दो को पकड़ लिया हमने, दो से ही स्टार्ट होगा हमारा, तो दो के नीचे दो हो गया, और दो के बाद कौन सा अंक आएगा, पांच आ गया। पांच के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा अंक आएगा, ये चार आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, तीन के विपरीत, तो ये भी पकड़ लिया हमने तीन, बस हो गया हमारा आंसर ही आ गया। तीन के विपरीत कौन सा होगा, पांच होगा, तो आंसर क्या आ गया हमारे, पांच। कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने सुना है अक्सर के लोग कहते हैं कि भाई रीजनिंग बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, बोनस अंक है बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
एक पासे की दो स्थितियां नीचे प्रदर्शित है, ठीक है भाई प्रदर्शित है, यदि उसमें तली पर यानी कि हाँ तली गांव के नीचे ठीक है तली पर एक हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है अब हमको दो पासे दे रखे, एक ही दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब अगर तली पर एक है ठीक है तली पर एक है अगर यहां देखेंगे तो कौन सा अंक आ रहा है पांच आ रहा है ऊपर, तली तो नीचे होती है यहां पर नीचे इस जगह ठीक है वो बोल रहा है कि तली पर एक है कितना अंक है एक है ठीक है तो ऊपर कौन सा होगा पांच, लेकिन यहां देखें कि भाई यहां एक मानेंगे तो ऊपर कौन सा हो जाएगा छह, तो कंफ्यूज हो रहा है। तो चलिए हम वही हमारे जो तरीके हैं हम तो हमारे तरीके से पकड़ेंगे भले क्वेश्चन कुछ भी कहे हम तो हमको जो आता है बस वही करेंगे। चलिए ठीक है देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं, हम तो हमारा हम जानते हैं कि भाई या तो एक अंक कॉमन होगा या फिर दो अंक कॉमन होंगे, तो देख लेते हैं पहले भाई कितने अंक कॉमन है। चलिए ठीक है ना तो यहाँ पर तीन बिंदी दिख रही है यानी कि इसका मतलब क्या है तीन है, ये तो मतलब जो रियल पासे होते हैं ना हमारे जब हम खेलते हैं बिल्कुल वही दिया है सेम टू सेम, यहाँ तो फिर भी अंक लिखे हुए हैं। चलिए ठीक है तो यहाँ तीन है केदर तीन है हाँ भाई मिल गया एक तो मिल गया ठीक है, यहाँ पांच है तो यहाँ पांच है क्या नहीं है, यहाँ चार है यहाँ नहीं है। चलिए तो लिख लेते हैं भाई तो जो कॉमन है बस उसी को पकड़ते हैं, ये कॉमन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज फिर यहाँ से ये क्लॉकवाइज और यहाँ से ये क्लॉकवाइज फिर यहाँ से ये क्लॉकवाइज यहाँ से ये क्लॉकवाइज ठीक है और यहाँ से ये क्लॉकवाइज। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है तीन लिखा हुआ है ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा ये होगा पांच ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है चार है ये रहा हो गया हमारा चार हो गया ठीक है, ये बात तो ये पासा कंप्लीट हो गया। अब ये देख लेते हैं चलेंगे कहां से वहीं से जहां हमारा कॉमन अंक है, क्या है कॉमन अंक तीन है तो पहले लिख लिया हमने तीन, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो छह हो गया ये छह हो गया ठीक है, अब छह के बाद हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो दो, तो ये दो हो गया लिख लिया। चलिए माँ के आगे जाएंगे तो वापस तीन आ जाएगा तो वही से अब हमको क्या मिल गया भाई पांच के विपरीत क्या मिल गया छह है और चार के विपरीत दो है और वही होगा छह के विपरीत पांच होगा और दो के विपरीत चार होगा ठीक है। अब भाई एक एक उसने बोल दो वो तो बोल रहा है क्या एक एक पूछ रहे एक तो है ही नहीं ठीक है, तो जो कॉमन है क्या कॉमन दिख रहा है हमको तीन कॉमन दिख रहा है तो इसमें एक हटा के तीन में से तो क्या विपरीत हो जाएगा एक, क्योंकि वही बच रहा है वही नहीं है तो ठीक है ना भाई एक घन के कितने पलक होते हैं छह पलक होते हैं ठीक है, तो छह अंक हमको छह के छह अलग होने चाहिए, एक है दो है तीन है चार है पांच है और छह है ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर हमने तीन लिखा हुआ था पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था तीन, तो कौन सा मिसिंग है भाई पांच के विपरीत छह है और चार के विपरीत दो है ये तो फिक्स हो गया ये तो फिक्स हो गया, ये तो यही नहीं है कि अब भाई इन्हें हम तो छह की जगह पांच की जगह एक लिखेंगे नहीं ये तो फिक्स हो गया, अब क्या बच रहा है तीन ही बच रहा है वही दो आ रहे हैं भाई तीन के विपरीत तीन तो हो नहीं सकता तो तीन के विपरीत क्या होगा एक, ये हो गया फिक्स हो गया अपने पास मिल गया भाई ठीक है, तीन के विपरीत क्या होगा एक यानी कि एक के विपरीत सॉरी क्या पूछ रहा होगा एक के विपरीत, तो एक के विपरीत क्या होगा आंसर तीन होगा ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। चलिए तीन क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं, तो देखिए होता क्या है क्वेश्चन तो उसके पास एक ही है डैश से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन पूछता है इसके विपरीत बताओ ठीक है, एक अंक को भी पूछेगा उसके विपरीत, अब अंतर कहाँ दे सकता है वो अंतर आपको देगा कि या तो वो डाइस बनाने में आपको ऐसा ऐसा कुछ ऐसे कुछ करके बना देगा अलग तरीके से बना देगा डिजाइन चेंज कर देगा ठीक है, तो बस वही अंतर आएगा तो वही हमको थोड़ा देख रहे हैं सारे देख रहे हैं भाई किस तरीके से डाइस बन सकती है ठीक है। चलिए तो अब तक हम डाइस देख चुके हैं कि इस तरीके की डाइस हम देख चुके हैं ठीक है ना, ये इस तरह की डाइस हम देख चुके हैं कि इस तरीके की तो आ सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको कैसे दे सकता है अब सिर्फ
अपनी इंक बचाने के लिए वो क्या करता है, सिर्फ इतना बनाता है, सिर्फ इतना, ये इतना बना दिया, ठीक है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जैसे कि लिख देगा उसने और यहाँ पर अंक भी नहीं देगा, लिख दिया मान लीजिए यहाँ लिख दिया ब्लू लिख दिया, ठीक है, यहाँ ग्रीन, ये ग्रीन हो गया, और यहाँ पिंक लिख दिया, पिंक लिख दिया। इसी तरह से दूसरी डाइस दे देगा आपको, ये दूसरी डाइस दे दी, ठीक है, यहाँ दे दिया रेड, ये रेड हो गया, यहाँ व्हाइट, व्हाइट, और यहाँ दे दिया पिंक। तो आपको कुछ भी दे दे, कैसे भी दे दे, हमको बेसिक पता है, हमको बेसिक पता है, ठीक है ना, तो वैसे ही हमको चलना है, ठीक है। तो अब उसने पूरी डैश नहीं बनाई, उसने पूरी डैश नहीं बनाई, सिर्फ आगे के तीन फलक इतने से बना दिए और इसकी इंक बचा ली। तो ये देखें, अगर हम देखें तो ये ऐसे है, अगर हम देखें तो, ठीक है ना, ये ऐसे है डैश, ठीक है। तो बस उसने ये हटा दी, ये हटा दी उसने, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताऊँ आपको हुआ क्या, ये है, ये है, ठीक है, ये डैश है, उसने यहाँ लिखा हुआ है, ये उसने यहाँ लिख दिया पिंक, यहाँ लिख दिया ब्लू, ब्लू लिख दिया, यहाँ पर ग्रीन लिख दिया। तो उसने क्या करा, ये चीज़ हटा दी बस, ये बाहर की लाइनें हटा दी, ये हटा दी, ठीक है, बस इतना छोड़ दिया। तो आप इस तरह की डैश आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें सिर्फ तीन लाइनें ही आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए तो अब करना क्या है हमारा, भाई हमको पता है या तो एक कॉमन होगा या फिर दो अंक कॉमन होंगे, या फिर यहाँ पर तो अंक भी लिख दिए उसने, ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी दे दे, हमको तो वही करना है जो हमने सीखा है या हमको जो आता है। चलिए पहले देख लेते हैं भाई कितने कॉमन है, कितने कलर कॉमन है। पिंक दिख रहा है, हाँ इधर है भाई, पिंक है। ब्लू है क्या इधर, नहीं है। ग्रीन है क्या, नहीं है। तो कितने कॉमन हुए, एक ही कॉमन हुआ। चलिए लिख लेते हैं भाई, हमको क्या पता है, जो कॉमन है उसको पकड़ लेते हैं और वहीं से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। पिंक पकड़ लिया, पिंक को पकड़ लिया, पिंक के बाद ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू हो गया। उसके बाद देखेंगे तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब वहां पर भी वही पिंक पकड़ लिया, पिंक हो गया, और पिंक के बाद रेड, और रेड के बाद व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट हो गया, ठीक है। अब कुछ भी पूछ ले, चाहे वो पूछ ले कि भाई बताओ ब्लू के अपोजिट में क्या है, तो रेड है। ग्रीन के अपोजिट क्या है, व्हाइट है, ठीक है, या फिर व्हाइट का अपोजिट क्या है, ग्रीन है, और रेड का अपोजिट क्या है, ब्लू है। अब अगर वो क्वेश्चन में अगर कुछ और ही पूछ लेता, मान लीजिए वो पूछ लेता येलो के विपरीत बताओ, अब ये रहा था हमको यहाँ खेल दिख रहा, ठीक है, तो हमारा कॉमन सेंस यूज करना है भाई, ब्लू के अपोजिट में क्या है, रेड है, और ग्रीन के अपोजिट में क्या है, व्हाइट है। तो अब पिंक के अपोजिट में पिंक तो नहीं हो सकता ना, पिंक के अपोजिट में पिंक तो नहीं होगा, तो इसको हटा के हमको क्या लिखना है, येलो, ये हो गया, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको यूज करके इस तरह, जैसे कि अभी हमने पहले ही किया था तीन के एक के विपरीत बताओ कौन सा है, तो तीन उसने दे भी नहीं रखा था, तो हमको उसके विपरीत रखना था, ठीक है ना। तो वो बस आपको इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो डाइस को किस तरह से बना सकता है, ठीक है ना, और आपको बस वही कॉमन पकड़ना है, और मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक ही तरीका है, तो एक कॉमन होगा या फिर दो कॉमन होंगे, बाकी कुछ भी दे दे, हमको हमारा तरीका ही पकड़ के चलना है, ठीक है। इसके अलावा अभी एक टॉपिक और आएगा इसी में ही, ओपन डाइस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये वाला हो ही गया, एक और दे रखा है इसमें क्या दे दिया, ये हो गया, ये दे दिया, बस इतना दे दिया, और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, क्या अंक दे रखे हैं उसने, अंक दे रखे हैं
दे दिया उसने तीन, एक चार, यहाँ दे दिए एक पांच और तीन, ठीक है दे दिया उसने। अब देख लेते भाई, अच्छा एक कॉमन होगा या फिर दो कॉमन होंगे, देख लेते हैं क्या कॉमन है। क्या तीन दिख रहा है? हाँ भाई तीन दिख रहा है। क्या एक दिख रहा है? क्या हाँ एक दिख रहा है। चार दिख रहा है? चार तो वही दो कॉमन होगी, खुलो तो बात नहीं, ये हो गया दो कॉमन। दो कॉमन तो बहुत ही सिंपल है, करना है कुछ नहीं। चार के विपरीत क्या जाएगा? पांच के विपरीत चार और चार के विपरीत पांच, टेंशन नहीं, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन है भाई? एक कॉमन है, वो क्या है? ग्रीन। तो ये यहीं से चलते हैं, ये पकड़ लिया, इसके बाद ये, 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 चलेंगे कहां से? जो कॉमन है ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद येलो, और येलो के बाद रेड, वहां पर ग्रीन, ग्रीन के बाद वायलेट, वायलेट के बाद ब्लू, ठीक है। तो ये लग गए, अपोजिट क्या होगा? वायलेट और रेड के अपोजिट ब्लू, ठीक है। चलिए बस इतना ही आज, बाकी और भी तरीके और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों के जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जो है हमारा कैप्टन एग्रो, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।